हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी का सेकंड चैप्टर वाक्य वाक्य रचनाएं तथा तो वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक्य वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, वाक्य की वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाक्य का अर्थ क्या होता है। ठीक है, वाक्य का अर्थ, ठीक है, वाक्य का अर्थ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो वाक्य का अर्थ क्या होता है, तो शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो वाक्य के अंग के बारे में देखते हैं। वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, तो वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं। वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं, कौन कौन सा, पहला होता है उद्देश्य, पहला उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। पहला उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। ठीक है, आपने पढ़ा कि वाक्य का अर्थ क्या होता है, तो शब्दों के सार्थक व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो वाक्य के अंग दो होते हैं, कौन, पहला उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। चलिए इसके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले पहला देखते हैं हम उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। जिसके विषय में कुछ बताया जाए जिसके विषय में कुछ बताया जाए जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं कि, जैसे हमने लिखा कि गीता गाना गाती है, गीता गाना गाती है। ठीक है, गीता गाना गाती है, तो हमको बताना है कि इसमें उद्देश्य क्या होगा। उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य की परिभाषा होती है कि जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो किसके विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है, तो यहाँ पे गीता के विषय में बताया जा रहा है कि गीता क्या कर रही है, गाना गाती है। ठीक है, तो किसके विषय में बताया जा रहा है, तो गीता के, तो गीता क्या हुई, गीता उद्देश्य हुई, गीता उद्देश्य हुई। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि विधेय किसे कहते हैं। ठीक है, विधेय किसे कहते हैं, दूसरा है विधेय, विधेय किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो विधेय किसे कहते हैं, तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं, विधेय कहते हैं। ठीक है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे हम पहला वाला एग्जांपल लेते हैं कि गीता गाना गाती है, गीता गाना गाती है। ठीक है,
तो क्या है कि विधेय किसे कहते हैं, हमको बताना है कि इसमें विधेय क्या होगा। तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में, तो इसमें उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य तो हमारा कौन है उद्देश्य यहाँ पे, तो गीता उद्देश्य है। गीता क्या है, उद्देश्य है, गीता उद्देश्य है। और गीता के विषय में जो कुछ बताया जा रहा है वह क्या होगा, विधेय होगा। तो गीता के विषय में क्या बताया जा रहा है, तो गीता के विषय में बताया जा रहा है कि वह क्या कर रही है, गाना गाती है। ठीक है, तो इसमें गाती क्या हो जाएगा, गाती ये विधेय हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ठीक है, उसके विषय में क्या क्या कर रही है वो, तो गाना गाती है। ठीक है, वह क्या कर रही है, तो गाती क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि वाक्य के अंग दो 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 होते हैं, उदय उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य के बारे में पढ़ा और विधेय के बारे में पढ़ा। चलिए आगे पढ़ते हैं, अब देखते हैं कि वाक्य के भेद कितने होते हैं। ठीक है, वाक्य के भेद कितने होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे हम, वाक्य के भेद। ठीक है, वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो वाक्य को मुख्यतः पांच आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, वाक्य को मुख्यतः पांच आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से, तो पहला होता है अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर। दूसरा होता है रचना के आधार पे, रचना के आधार पे, रचना के आधार पर। तीसरा होता है शैली के आधार पे, शैली के आधार पे, शैली के आधार पर। और चौथा होता है क्रिया के आधार पे, क्रिया के आधार पर। और पांचवा होता है, पांचवा होता है आकृति के आधार पे, आकृति के आधार पर। ठीक है, वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं, वाक्य को मुख्यतः पांचों आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है शैली के आधार पर, चौथा है क्रिया के आधार पर, और पांचवा है आकृति के आधार पर। चलिए बारी बारी से इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और पूरा विस्तार से उन सबको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला है कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है, आठ भागों में बांटा गया है। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य को आठ भागों में बांटा गया है, बांटा गया है, या उसके आठ भाग होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भाग होते हैं, या उसको आठ भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम उसको पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा विधानवाचक वाक्य, या इसी को विधि विधि वाक्य कहते हैं। ठीक है, विधानवाचक वाक्य, या इसी को हम विधि वाक्य कहते हैं, विधि वाक्य। ठीक है, चलिए इसको एक एक करते हैं, हम पढ़ते चलते हैं आठों को। ठीक है, चलिए, तो विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का बोध होता है उसे हम विधानवाचक शब्द कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का बोध होता हो, होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं,
है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का बोध होता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हमने लिखा कि राम अपने घर जाता है, राम अपने घर जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्रिया के करने या होने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे विधानवाचक वाक्य होगा, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं, दूसरा। दूसरा है हमारा, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में किसी बात के होने का निषेध हो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं और एग्जांपल से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको लिखते हैं कि निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में किसी बात के होने का निषेध हो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, या इसको हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, ठीक है। तो जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध हो, बात के होने का निषेध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा कि मोहन घर नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नकारात्मक वाक्य लगा है, ठीक है। यहाँ पे नकारात्मक शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये होगा, इसमें क्या होगा, तो इसमें निषेधवाचक वाक्य होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ एक और एग्जांपल कि मैं आज दफ्तर नहीं जाऊंगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी निषेधवाचक वाक्य होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है तीन नंबर हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, अगला है तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध होता है बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं और उस वाक्य के अंत में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लगा होता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कि तुम अपने घर कब जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और इसमें प्रश्नवाचक क्या है, तो कब क्या है, पूछा जा रहा है उससे, क्या है, प्रश्न किया जा रहा है कि तुम अपने घर कब जाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है चार नंबर हम पढ़ेंगे। तो चार नंबर है
इच्छार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। चार नंबर क्या है हमारा? इच्छार्थक, इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जिस वाक्य में किसी इच्छा, आशीर्वाद, कामना आदि का बोध हो, उसे हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी इच्छा, आशीर्वाद, आशीर्वाद कामना आदि का बोध हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं, उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है। जिस वाक्य में किसी इच्छा, आशीर्वाद, कामना आदि का बोध हो, उसे हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे हमने लिखा कि दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। ठीक है। तो इसमें क्या दिया जा रहा है? इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है कि दीर्घायु हो। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे इच्छार्थक वाक्य होगा। एक और हम लिखते हैं, जैसे कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ठीक है। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इसमें भी क्या है? इसमें भी कामना की जा रही है कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे इच्छार्थक वाक्य होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम 5 नंबर पढ़ेंगे। अगला है हमारा 5वां, पांचवा है हमारा संदेह या संभावनार्थक वाक्य। संदेह या संभावनार्थक वाक्य 5 नंबर है हमारा। संदेह ऐसी को संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। संदेह या संभावनार्थक वाक्य। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि संदेह या संभावनार्थक वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है। तो क्या है कि जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के पूर्ण होने की संभावना व्यक्त की गई हो, उसे हम संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में, किसी बात या कार्य के पूर्ण होने की संभावना व्यक्त की गई हो उसे संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है। जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के पूर्ण होने की संभावना व्यक्त की गई हो, उसे हम संभावनात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे हमने लिखा कि शायद आज पिताजी घर आ जाए, शायद शायद आज पिताजी घर आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है। यहाँ पे संभावना व्यक्त की गई है कि शायद पिताजी घर आज आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे संदेह या संभावनार्थक वाक्य। ठीक है। यहाँ पे क्या है? संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद आज पिताजी घर आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे संभावनार्थक वाक्य इसमें होगा। ठीक है। अगला है हमारा 6 नंबर की, अगला है हमारा 6 नंबर आज्ञार्थक वाक्य। छठा है हमारा आज्ञार्थक, वाक्य। ठीक है। आज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जिस वाक्य में किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने की आज्ञा दी जाए, उसे हमें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं और एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जिस वाक्य में, किसी
किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने की आज्ञा दी जाए, किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने की आज्ञा दी जाए, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, ठीक है, उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो जैसे हमने लिखा कि यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, तो सॉरी जैसे हम लिखते हैं कि तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ। इसमें क्या है कि यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है कि तुम वहां पे जाओ, तो यहाँ इस वाक्य में क्या होगा, तो इस वाक्य में आज्ञार्थक वाक्य होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम सात नंबर पढ़ेंगे। सातवां है हमारा कि शर्त सूचक या संकेतार्थक वाक्य, शर्त सूचक या संकेतार्थक वाक्य, सात नंबर है। शर्त सूचक या संकेतार्थक वाक्य, ठीक है। इससे पहले हमने संदेह संभावनार्थक वाक्य पढ़ा था, ये क्या है, ये संकेतार्थक वाक्य है, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं और इसको लिखते हैं। तो शर्त सूचक या संकेतार्थक वाक्य किसे कहते हैं, तो जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए इसको लिखते हैं कि जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उसे संकेत वाचक वाक्य कहते हैं, उसे संकेत वाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कि यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे। तो इसमें क्या है कि इसमें एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है, कैसे। तो क्या है कि अगर परिश्रम करोगे तो सफल होगे, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर बिना परिश्रम के सफल नहीं होगे, ठीक है, तो परिश्रम करोगे तभी सफल होगे। तो एक क्रिया क्या है, दूसरे पर निर्भर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आठ नंबर पढ़ते हैं कि आठवां हमारा क्या है। तो आठवां है हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जिन वाक्य में घृणा, शोक, दुख, सुख, क्रोध या विस्मय का भाव हो उसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं, जिस वाक्य में घृणा, शोक, दुख, सुख, क्रोध या विस्मय का भाव
हो उसे विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक से विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह कैसा होता है, तो खड़ी पाई और नीचे एक बिंदी होती है। ठीक है, तो जहां पे ये लगा हो तो भी तो वहां पे क्या होगा, विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे जैसे हमने लिखा कि हाय मैं गरीब मारा गया। हाय, हाय के बाद क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, हाय मैं गरीब मारा गया, मैं गरीब मारा गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे शोक व्यक्त हो रहा है। हाय मैं गरीब मारा गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, शोक व्यक्त हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक वाक्य होगा कि अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं, आठों के बारे में हमने बारी बारी से पढ़ा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और दूसरा है हमारा रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, रचना के आधार पे, दूसरा है हमारा रचना के आधार पे, रचना के आधार पर। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, तो पहला होता है संयुक्त या सरल वाक्य, संयुक्त ओ सॉरी पहला होता है साधारण या सरल वाक्य, पहला होता है साधारण, साधारण या सरल वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है जटिल या मिश्र वाक्य, जटिल जटिल या मिश्र वाक्य। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। पहला होता है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है जटिल या मिश्र वाक्य। तो चलिए बारी बारी से इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सरल या साधारण वाक्य। ठीक है, पहला साधारण, साधारण या सरल वाक्य, साधारण या सरल वाक्य किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, अथवा जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिखते हैं। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, अथवा अथवा एक कर्ता और एक क्रिया होता है, अथवा एक कर्ता और एक क्रिया होता है, उसे उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं, उसे सरल या साधारण साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं उसके अनुसार अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा कि राम पढ़ता है, ठीक है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये क्या है, तो ये सरल वाक्य होगा। ठीक है, सरल वाक्य क्यों होगा, तो इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। ठीक है, एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। तो उद्देश्य हमने अभी आपको बताया कि उद्देश्य किसे कहते हैं, तो जिसके विषय में, जिसके उद्देश्य क्या होता है, तो जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। ठीक है,
जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और विधेय किसे कहते हैं, तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाए उसे हम विधेय कहते हैं। तो राम पढ़ता है इसमें, राम पढ़ता है इसमें राम क्या गया, हो गया उद्देश्य हो जाएगा, उद्देश्य और राम यानी उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जा रहा है, राम क्या कर रहा है, तो राम पढ़ता है, तो पढ़ता क्या हो गया, ये विधेय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये विधेय हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें सरल वाक्य हो जाएगा, या अथवा एक कर्ता और एक क्रिया हो तो उसे हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहेंगे। तो इसमें क्या है, राम पढ़ता है, इसमें क्या है, एक कर्ता है और एक क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम दूसरा पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य परस्पर जुड़े होते हैं और दोनों ही क्या होते हैं, वाक्य प्रधान होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। चलिए इसको लिखते हैं और एग्जाम्पल के हिसाब से इससे समझेंगे, ठीक है। तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य परस्पर जुड़े होते हैं और दोनों ही वाक्य क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और दोनों ही वाक्य प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हमने लिखा कि राम आया और मोहन गया, राम आया और मोहन गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दो सरल वाक्य क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक सरल वाक्य होगा राम आया और मोहन गया, यहाँ पे ये दूसरा वाक्य सरल वाक्य। तो दो सरल वाक्य क्या है, परस्पर जुड़े होते हैं और दोनों ही प्रधान होते हैं, ठीक है, ठीक है, दोनों ही प्रधान होते हैं। तो इसमें क्या है, राम आया ये भी प्रधान है और मोहन गया ये भी एक प्रधान वाक्य है, ठीक है। तो दो प्रधान वाक्य क्या है, दो सरल वाक्य परस्पर जुड़े होते हैं और दोनों ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। अब आगे पढ़ते हैं कि जटिल या मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जटिल या मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तीसरा है जटिल या मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, जटिल या मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और शेष उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, जटिल या मिश्र उपवाक्य बोलते हैं, मिश्र वाक्य बोलते हैं, ठीक है। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है, तब ऐसे रचित वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक मुख्य उपवाक्य और एक अथवा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो जो क्या होते हैं, जो समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। चलिए इसको लिखते हैं और एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं कि क्या है कि जिस वाक्य में जिस वाक्य में एक
एक प्रधान, एक प्रधान उपवाक्य, उपवाक्य हो और शेष शेष उपवाक्य उस पर आश्रित हो, आश्रित हो, उसे जटिल या मिश्र वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। या इसी को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना की जाती करनी पड़ती है, तो ऐसे ऐसे रचित वाक्य ही क्या कहलाते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। और इनमें क्या होता है कि इनमें एक उपवाक्य होता है तथा एक से अधिक क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं, उसको समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वह साइकिल मेरी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह साइकिल मेरी है, वह साइकिल मेरी है। ठीक है, वह साइकिल मेरी है। तो इसमें क्या है कि इसमें देखते हैं कि ये क्या है कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वह साइकिल मेरी है। तो इसमें क्या है कि इसमें एक ये उपवाक्य हो गया, ठीक है, और दूसरा है कि वह साइकिल मेरी है, तो दूसरा उपवाक्य क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये क्या है, ये क्या होगा, ये मुख्य उपवाक्य होगा, ये क्या होगा, मुख्य उपवाक्य होगा, मुख्य उपवाक्य होगा। और ये दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा हमारा आश्रित उपवाक्य होगा। ये क्या होगा, ये मुख्य उपवाक्य पे आश्रित है कि बोल रहा है कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह साइकिल मेरी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आश्रित उपवाक्य होगा। और ये समुच्चय बोधक किससे जुड़ा है, तो की से जुड़ा है, की क्या होगा, ये समुच्चय बोधक होगा, समुच्चय बोधक की से ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जटिल या मिश्र क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो लिखा है कि आश्रित 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 वाक्य उपवाक्य। ठीक है, तो आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि आश्रित उपवाक्य क्या होता है। ठीक है, आश्रित वाक्य क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि आश्रित वाक्य क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आश्रित वाक्य के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आश्रित वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो इसको मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला है संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। दूसरा है विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। और तीसरा है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो ये हो गया आश्रित वाक्य के तीन भागों में बांटा गया है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। चलिए बारी बारी से इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं, तो जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पाता है, तब वहां क्या होता है, संज्ञा उपवाक्य, तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। चलिए इसको लिखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। तो जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा
संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पे आता है, के स्थान पर आता है, पे आता है, तब तब वह संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, तब वह क्या कहलाता है? तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं और इसको समझते हैं। तो हमने लिखा कि वह चाहता है कि मैं यहां कभी ना आऊं। वह चाहता है कि मैं यहां कभी ना आऊं। ठीक है, हमने लिखा कि वह चाहता है कि मैं यहां कभी ना आऊं, तो इसमें क्या है कि इसमें संज्ञा उपवाक्य क्या होगा? तो इसमें संज्ञा उपवाक्य होगा कि, या इसमें संज्ञा उपवाक्य क्या होगा? तो इसमें होगा कि मैं कभी न, कि मैं यहाँ कभी न आऊं। ये क्या होगा? ये संज्ञा उपवाक्य होगा। ठीक है, कि मैं यहाँ कभी न आऊं, यहाँ पे यह क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य होगा। ठीक है, क्या है कि संज्ञा उपवाक्य में तो जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पे आता है तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊं। मैं क्या है? तो यहाँ पे क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पे क्या आया है? तो वो आया है कि मैं यहाँ कभी ना आऊं। क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा विशेषण उपवाक्य। ठीक है, विशेषण उपवाक्य के बारे में पढ़ते हैं। विशेषण उपवाक्य, ठीक है, विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो विशेषण उपवाक्य क्या होता है? तो जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। चलिए इसको लिखते हैं। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा कि जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे क्या विशेषता बताई जा रही है? तो यहाँ पे विशेषता बताई जा, किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो घड़ी की विशेषता बताई जा रही है। इसमें किसकी विशेषता? तो जो घड़ी मेज पर रखी है इसकी विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? कि वह मुझे क्या है? पुरस्कार स्वरूप मिली थी। उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? तो वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण उपवाक्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे विशेषण उपवाक्य हो जाएगा जिसकी विशेषता बताई, जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है। ठीक है, जो मुख्य उपवाक्य की संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है
उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो मुख्य उपवाक्य क्या होगा, तो यहाँ पे पुरस्कार स्वरूप मिली है, इसमें इसकी क्या है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, यानी यहाँ पे घड़ी की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये विशेषण उपवाक्य होगा, विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है, विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है, तो विशेषण उपवाक्य हो गया। अब अगला पढ़ते हैं हम क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? तो जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं और एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है कि क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य से क्रिया विशेषण उपवाक्य उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, तो जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है तब वह क्या होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं और इसको समझते हैं। तो हमने लिखा कि जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था, जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था, जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। तो इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होगा? तो इसमें क्या होगा, इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होगा? तो इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा कि जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। ये क्या है यहाँ पे, जब वह मेरे पास आया ये क्या होगा, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि वाक्य का अर्थ क्या होता है। ठीक है, वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय, ये क्या होते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा, उद्देश्य के बारे में और विधेय के बारे में। फिर उसके बाद वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो वाक्य को मुख्यतः पांच भागों में या पांच पांच आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन सा, तो पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा शैली के आधार पर, और चौथा है क्रिया के आधार पर, और पांचवा है आकृति के आधार पर। ठीक है, तो हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा होता है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा होता है इच्छार्थक वाक्य, पांचवा होता है संदेह संभावनार्थक वाक्य, और छठा होता है आज्ञार्थक वाक्य, सातवां होता है शर्त सूचक या संकेतार्थक वाक्य, और आठवां होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, ये हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं, उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। फिर उसके बाद में दूसरा हमने पढ़ा कि रचना के आधार पर कितने होते हैं, तो रचना के आधार पर तीन होते हैं। कौन कौन से, तो साधारण या सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है जटिल या मिश्र वाक्य। ठीक है, जटिल या मिश्र वाक्य। फिर इसी में एक शब्द आया था कि आश्रित वाक्य किसे कहते हैं, तो आश्रित वाक्य के बारे में हमने पढ़ा। तो आश्रित वाक्य कितने प्रकार, इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। तो चलिए
आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें।